वही पतंग है जो मैंने आज बनाई थी। ठीक है, अब मैं इसे चेक करके देख रहा हूँ। ये देख लीजिए आप, नीला इसका वो लगा हुआ है। पतंगी देख ली, नाच भी अपनी उस पर रही है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने इधर रख लिया है, अब मैं इसको काटता हूँ। ठीक है, आप भी किसी ऊंची चीज पे रख के काटना, आसानी होगी। और ये एंड दबा लेना गाइस। ठीक है गाइस, देखिए मैंने फर्मा काट लिया है और मैंने साइड से थोड़ा थोड़ा पेपर छोड़ दिया है। ठीक है, ये ऊपर हल्का सा कट आपको लगाना होगा। तो गाइस, ये हल्का सा कट आप ऊपर ज़रूर लगा लेना, ध्यान रखना चीज़ का, ताकि आपको डोरी लौटने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखिए इस पर कर लेते हैं घुटाई। ठीक है, तो घुटाई देखिए, अगर आपको मेरी घुटाई की वीडियो देखना है तो गाइस ऊपर लिंक आता हुआ, आप ऊपर लिंक पर भी जाके देख सकते हैं घुटाई। ठीक है, घुटाई कैसे करनी है गाइस, देखिए घुटाई कर ली मैंने। ठीक है, देख लीजिए एक बार आप, ये घुटाई कर ली मैंने बर्फी वाली, ये देखिए, ये वैसी घुटाई करी है। ठीक है, अब इस पर गाइस ठड्डा रख लेते हैं, थोड़ा सा भाग रहा है इस पर। तो गाइस देखिए, मैंने ठड्डा रख लिया है और ये सीधा ठड्डा हो गया। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना गाइस, मैंने ये बताया नहीं था आपको, लई को आप रखना फ्रिज के अंदर। अगर आपको लंबे समय के लिए लई को यूज़ करना है तो फ्रिज के अंदर आप रखिए, उससे क्या है आपकी लई ख़राब नहीं होगी। भाई देखिए, मैंने ये ठड्डा सीधा कर लिया, अब इस पर लई लगा लेते हैं बिना कुछ देरी करे हुए। पलट के ऐसे दोनों हाथों से कर देना आप, ताकि आपका ठड्डा एक सा छुपा रहे। एक चीज ध्यान रखना गाइस, आपकी जो लई बननी चाहिए ना, वो बरसात का मौसम है थोड़ी गाढ़ी बननी चाहिए, उसमें पानी कम होना चाहिए। ठीक है, वरना ये सूखने में बहुत टाइम लगेगी और जोड़ भी फिर सही से जुड़ेंगे नहीं। जैसे मेरी लई इस टाइम थोड़ा पानी ज्यादा आ गया इसमें, क्योंकि क्वांटिटी देखिए, क्वांटिटी का मिक्स, जो लई का जो मैंने क्वांटिटी बताई थी, आप उसी हिसाब से ही लेना क्वांटिटी। ज़्यादा पानी कर देंगे तो लई बेकार हो जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। और ध्यान रखना गाइस, कमान जो ये कोने होते हैं, यहाँ से बाहर निकलती हुई कमान सेट करना, बाहर निकलती हुई जो कमान है वो सेट करना, ताकि आपका कागज़ बढ़िया करके टाइट है। ठीक है, लूज ना पड़े आपका कागज, इस चीज का ध्यान रखना। और एक और चीज ध्यान रखना गाइस, जो बेसिक चीजें बता देता हूँ, ये पांच उंगल, करीब पांच उंगल, यानी पांच उंगल आप मार्क कर लेना यहाँ पर,
तो आपकी कमान यहाँ का ही सेट होनी चाहिए। जैसे आपको मान लो आपको कमान भी कभी सेट करना और आपको पता नहीं कि कितने इंच की कमान आएगी, 5 उंगल लगाना और कमान नक के ऐसे रख के कमान फिर सेट करना, तो आपको पता चल जाएगा आपकी कमान कितनी आएगी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, एक कि 5 उंगल ये ठीक है, कमान बाहर निकलती हुई होनी चाहिए, ये ध्यान रखना ठीक है। तो कमान सेट कर लेते हैं, तो गाइस आपको करना क्या है, देखिए ऐसे रखना है और करीब इतना समझ लीजिए जितनी ये जितनी इसकी मोटाई है इतनी बराबर आपको उसमें गैप छोड़ना है करीब का ठीक है, साइडों से। और ये ऐसे रखेंगे हम, ये हमने ऐसे रखी कमान, अंदर दबा दी तो दूसरी तरफ की सेट करता हूँ ठीक है। और जैसे मान लिया अगर आपको पास ज्यादा टाइम नहीं है सुखाने के लिए, तो आप घर पे ड्रायर भी होंगे तो आप ड्रायर की मदद से भी सुखा सकते हैं। ठीक है, देखिए ये दोनों तरफ से कुंडे निकलते हुए बनाया मैंने। गाइस ये एक्स्ट्रा ठड्डा जो है हम इसे निकाल देंगे। गाइस इसका मैंने ठड्डा 23.5 रखा है ठीक है। तो भाई इसमें अब डोरी लौट लेते हैं ठीक है। तो डोरी लौटने के लिए मैं बता देता हूँ, कट मार लेंगे, देखिए नीचे हल्का सा कट मार लेना ताकि आपकी डोरी इसमें अटकी रहे। फिर इसके कोनों पे कट मार लेना, जो यहाँ पर ही कोने होते हैं यहाँ डोर रखेंगे आप, यहाँ हल्के से कट मार लेना ताकि आपकी डोरी सही से बैठ जाए ठीक है। यहाँ यहाँ कट लगा देते हैं, डोरी की स्टार्टिंग करेंगे नीचे से लपेटना ठीक है। नीचे से लपेटी है डोरी, अब मैं ऊपर ले चलता हूँ डोरी। अभी कहते हैं कि अगर आपको अच्छी तरीके से डोरी सीखनी है तो आप उस्ताद अली नवाब साहब की वीडियोस में देख सकते हैं कि वो डोरी कैसे लौट रहे थे, उनकी देखिए लिंक ऊपर आता हुआ, तो आप उनकी वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं कि वो डोरी कैसे लौट रहे थे। ये देखिए एक बार फंदा लगा दिया मैंने, लई ले लेना, लई से ही लेंगे और ज़्यादा गाड़ी लई मत लेना, पतली लई लेना सही रहेगा आपकी डोरी लौटने के लिए भी। लई जो है गाइस बिल्कुल कोनों में एंडों में लगाना है, लेकिन डोरी लौटते हैं ठीक है। तो बिल्कुल आराम से, मैं पहले ही मैंने आपसे बोला था मैं मुझे इतनी पतंग अच्छी बनाना आती नहीं है ठीक है, मगर मैं आपको थोड़ी बेसिक चीज़ें समझा सकता हूँ। बहुत ही आराम से गाइस डोरी आपको लौटना है ठीक है। और ये डोरी अब थोड़ी बीच में ले आना, बहुत ही आराम से इस चीज को करना है, आपको ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है। आई इधर देखिए, ये मैंने इधर की डोरी कर दी ऊपर की ठीक है। अब मैं इधर साइडों की नीचे की डोरी कर लेता हूँ, बाद में ये एंड ये वाली डोरी करूँगा ठीक है। सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करता हूँ ठीक है, ऊपर से स्टार्ट ही करना अभी। ये मैंने इधर इसकी नीचे की जो है डोरी कर ली है ठीक।
ये देखिए, नीचे की मैंने डोरी लौट ली। ठीक है, और फिर दबा देना आपको कागज के ऊपर। इसमें लगा लेते हैं पत्ता। ठीक है, तो पत्ता का इसमें मैं लाल कलर का लगा रहा हूँ क्योंकि ब्लैक और लाल का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया रहता है। इसको बिल्कुल मिला के ही लगाना। ये देखिए, ये पत्ता मैंने बिल्कुल इससे मिला के लगाया है। ठीक है, तो अब भी पत्ता इसी से मिला के लगाना। अब क्या गाइस, ये चेप भी लगा देते हैं। ये नाखूनों से ही आप गाइस इसको कागज को बैठाना। गाइस देखिए, जो साइडों की चेपी वो यहाँ से लगाई कल, मतलब जो स्टार्टिंग हुई चेपी लगाने की वो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये देखिए जहाँ से ये मोड़ लगा, बिल्कुल जहाँ से मोड़ा मैंने वहीं पर ही लगाया है। ठीक है, तो अब भी ऐसे ही लगाना। ये देखिए, ये मैंने नाखूनों से ही अंदर करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना, जो भी काम करें नाखूनों से अंदर करना उस चीज़ को। ठीक है, नाखूनों की मदद से ही रहेगा आपको अंदर करना। ठीक है, जो पेपर है नाखूनों की मदद से ही करना। अब गई मुट्ठी के बाद लगा लेते हैं इसमें पत्ता। ये पूरा नहीं लगता है, थोड़ा थोड़ा ऊपर से छोड़ा जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत से जो नए बंदे बनाने वाले हैं पूरा लगा देते हैं, ये चीज़ पूरी भी लगा देते हैं, तो पूरी नहीं लगाई जाएगी। ये पत्ता देखिए, तो गाइस ये देखिए डंडी पूरी कभी नहीं लगाई जाती है, इसको छोड़ देंगे इतना। ठीक है, अभी तो ये पूरा पूरा है, इसको बीच में से ब्रेक कर लेते हैं। ये दो मैंने निकाल लिए हैं। ठीक है, ये दो निकाल लिए, अब इसको लगा देते हैं। गाइस ये देख लीजिए, पूरी पतंग मैंने रेडी कर ली है। ठीक है, ये पतंग पूरी रेडी हो गई है। ठीक है, और कुछ कुछ बातों का देखिए थोड़ा ध्यान रखिए आप पतंग बनाते समय। जो मैं मेन मेन बातें हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो पतंग के जो लई होनी चाहिए गाइस वो अच्छी बनी होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरी जो लई है बिल्कुल बेकार लई हो चुकी थी, ये पानी छोड़ रही है। ठीक है, मतलब चिपचिपी है, पानी छोड़ रही है, तो लई बेकार हो गई है। तो लई भी आप अच्छी बनाएं। दूसरी चीज़ देखिए, आप ध्यान रखिएगा, इस आप पतंग बनाना सीखें तो सबसे पहले आप पतंग बनाइए प्लेन पतंग, मतलब ये ऐसी प्लेन पतंग बनाइए, जॉइंट वाली पतंग मत बनाइए जो जिसमें काम ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि देखिए आपको सबसे पहले पतंग एक अच्छी बनाना आना चाहिए। तो देखिए गाइस, पतंग दो तरह की होती है, एक होती है खूबसूरत पतंग और एक होती है अच्छी पतंग। ठीक है, तो ये बेशक अच्छी खूबसूरत पतंग हो सकती है मगर अच्छी पतंग अभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि देखिए अच्छी पतंग के अंदर बहुत बहुत सी बारीक बारीक चीज़ होती हैं, पतंग की तेज़ी, पतंग की फुर्ती। ठीक है, तो ये कुछ कुछ बारीक बारीक चीज़ होती है पतंग के अंदर जो उसे एक अच्छी पतंग बनाती है। ठीक है, हर कोई खूबसूरत पतंग बना सकता है मगर बहुत ही कम लोग हैं जो अच्छी पतंग बना सकते हैं। ठीक है, आज का टाइम यही है, खूबसूरत पतंग हर कोई बना लेता है मगर अच्छी पतंग बनाने के लिए आपके अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, आप पतंग उड़ाने वाले अच्छे होने चाहिए, तो वो बारीक बारीक चीज़ें आप नोटिस करके सही कर सकते हैं पतंग के अंदर। ठीक है, तीसरी बात देखिए गाइस, ये है कि जो ये कमान और ठड्डा है, ठीक है, ये अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। कमान और ठड्डा अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, प्लस कमान और ठड्डे को आप सेक लिया करें। ठीक है, मैंने कमान ठड्डा पहले ही सेक लिया था, ये वैसे सेका हुआ नहीं है। जो दिखा देता हूँ, जैसे जैसे कि गाइस ये कमान ठड्डा सेका हुआ, ये बाद में सेका गया है। ठीक है, मतलब इसमें डिज़ाइन डालने के लिए, खूबसूरती डालने के लिए होता है। तो गाइस मैंने आपने आपको बेसिक तरीका दिखाया कि आप पतंग कैसे बना सकते हैं, मैंने ये कुछ करके नहीं दिखाया है, ये मैंने पहले ही कमान सेक ली थी। नेक्स्ट पॉइंट गाइस देखिए ये है कि आप जब भी कमान ठड्डा छीलें, ठीक है,
ठड्डा तो देखिए हर कोई छीन लेगा, मगर कमान जो होती है वो मेन चीज़ होती है। कमान जब भी आप छीन लें तो ध्यान रखना ये जो सीना होता है पतंग का, ठीक है, ये सीना होना चाहिए भारी, ठीक है, मतलब इस पर आप बिल्कुल भी हाथ काम बिल्कुल भी छिलाई नहीं करेंगे। जो यहाँ से मुड़ेगी कमान, आप केवल यहाँ पर ही काम करेंगे, छिलाई करेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और जब भी आप कमान सेट करें तो ये निकलती हुई बाहर निकलती होनी चाहिए, मतलब ये चीज़ थोड़ी बाहर निकलती होनी चाहिए, थोड़ी इतनी मान ली इतनी बाहर निकलती होनी चाहिए, देखिए इतनी बाहर निकलती होनी चाहिए, जिससे क्या है कि पतंग टाइट रहेगी। देखिए इस टाइम क्या है, पतंग बिल्कुल मेरी टाइट है क्योंकि मैंने बाहर निकलती हुई कमान सेट कर दी। हर चीज़ पतंग के अंदर जो जो चीज़ें हैं आराम से करिए, आप अच्छी पतंग बना सकते, मतलब खूबसूरत पतंग बना सकते हैं। अच्छी पतंग तो आप जब उड़ाएंगे पतंग के अंदर चेक करेंगे बारीक चीज़ें कि पतंग के अंदर फुर्ती कहाँ से आएगी, ठीक है, पतंग मेरी उड़ रही नहीं उड़ रही है, ठीक है, और पतंग रबड़ की तरह चल रही नहीं चल रही, रबड़ की तरह जब चलेगी जब आपका ठड्डा बढ़िया खिला होगा, ठीक है, तो ये ठड्डा भी देखिए थोड़ा ध्यान रखना ऊपर से पतला होगा, ठीक है, और यहाँ से मुड़ना चाहिए ख़ास तौर पे, जो यहाँ से मुड़ना चाहिए। सीना ध्यान रखना, ये सीना होता है ये भारी होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए, बाकी ये कुंडे होते हैं, पतंग यहाँ से मुड़ना चाहिए, ठीक है। तो गाइस आप कमेंट करके बताना ये मैंने जो पतंग बनाई है वो कैसी लगी है आपको, और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा शेयर भी कर देना अगर आप चाहें तो, बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना। गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।